हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है। आइए देखते हैं नया क्या है। यहां पर एक वेरिएबल है आई और आई में स्टोर है वन, ठीक है, और यहां लगा हुआ है वाइल लूप। अब ऐसी कंडीशन कई बार आ जाती है जिसमें आप ही शायद सोचना शुरू कर देते होंगे कि इसका जवाब क्या होगा। वाइल ट्रू लिखा हुआ है, जैसे देखिए मैं लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है वाइल ट्रू, ठीक है। और अगर ट्रू है, ध्यान दीजिएगा यहां पे लिखा हुआ है वाइल ट्रू, और अगर ये चीज ट्रू है तो क्या करना है, तो ऐसे कंडीशन में यहां पे कॉलन लगा दीजिए और कॉलन लगा करके नीचे आ जाइए, यहां प्रिंट करवा दीजिए किसको, आई को, ठीक है। आई को प्रिंट करवा दिया और एंटर करके नीचे आएंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है। ये इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है ना, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, ये क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर ये लूप जो है इनफाइनाइट चलेगा, क्योंकि आई में तो वैल्यू वन है ही और ये बात तो ट्रू है ही, तो सिर्फ आई को ही ये बार बार आई प्लस वन को बार बार इंक्रीमेंट करता रहेगा और ये प्रिंट यही करता रहेगा। देखिए कैसे, इसको मैं पहले सेव करता हूं डॉट पी वाई लगा करके, तो आप देखेंगे तो यहां पर ये कंटिन्यू इंक्रीमेंट करता रहेगा और प्रिंट करता रहेगा लगातार आई को, देख रहे हैं। अब ये इंक्रीमेंट कहीं रुकने वाला है क्या, कहीं यहां पर ब्रेक दिया नहीं गया है, कहीं कोई चीज दी नहीं गई है, तो ये तो इनफाइनाइट जाएगा। नंबर की कोई गिनती थोड़े ना होती है कि नंबर कहां तक होगा, अभी भी चल ही रहा है। तो इस तरीके से जब आपको सवाल दिया जाए तो आपको जवाब यही देना है कि ये इनफाइनाइट तक चलेगा, कहां तक चलेगा, इनफाइनाइट, ठीक है ना, ओके।